राजा मनु की पांचवी संतान प्रियव्रत। प्रियता के व्रति बने, सेवा व्रति बने, आदर व्रति बने। एक व्रत लो, हमें आज दिन भर आदर करना है सबका। एक व्रत लो सेवा का, हमें सेवा करनी है सबके। एक बड़ा व्रत लीजिए अनिंदा का, आज हम निंदा नहीं करेंगे। अच्छी चीज नहीं है ये निंदा करना। हम उपेक्षा रखेंगे थोड़ी सी, मन को समझाइए कि वो उपेक्षा करें। ये चार भावनाएं बताइए, इनका अभ्यास करिए, अब बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये चार भावनाएं बताई गई हैं, करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा। करुणा, करुणा से भरे रहो। मुदिता, मुदित रहिए, आनंदित रहिए। ओ आज का दिन इतना अच्छा मेरे लिए, आज शुभ ही रहेगा, अच्छा ही रहेगा। भोर में जो हम देवताओं का स्मरण करते हैं, राम राम जी, जय श्री कृष्णा, इसका अर्थ क्या है? जो हम देव स्मरण कर रहे हैं, प्रातः स्मरण कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? कि मुदिता आएगी, वीतराग विषम व चित्तम। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं कि भोर में ही वीतराग महापुरुषों के ध्यान में बैठ जाओ, दिन भर उनको याद रखो। वीतराग महापुरुषों को, सत्पुरुषों को, देवताओं को, अपने भगवान का स्मरण करते रहिए। कब और कितना करें? तो गीता कहती है तस्मात सर्वेशु कालेशु। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। तस्मात सर्वेशु कालेशु, जब जब याद आए तब तक देवताओं का स्मरण करो, भगवान का नाम स्मरण करो। इससे मुदिता आएगी, मैत्री, मैत्री भाव रखिए। और जो चीज अच्छी नहीं है उपेक्षा कीजिए। तो महाराज जब प्रियव्रत ने प्रियता का व्रत लिया, अनिंदा का व्रत लिया, अस्वाद का व्रत लिया, अब कुछ ऐसा होने लगा मठ मंदिरों में। अब वैसे हो नहीं रहा है, पर कभी कोई मान लो शरीर रोगी है तो ऊपर से कोई चीज छिड़क लेते हैं थोड़ा बहुत, अन्यथा तो जैसा भोजन बना है वो प्रसाद है, उसमें कोई न्यूनता नहीं, अल्पता नहीं, उसकी स्तुति नहीं, निंदा नहीं, बड़ा है कम है, अभी भी नहीं, नहीं। इसे कहेंगे अस्वाद। अक्रोध एक व्रत है, अस्वाद एक व्रत है, अनिंदा एक व्रत है, प्रियता का एक व्रत है। एक व्रत और है कि मुझे आज आनंद में रहना है, उसे कहेंगे आनंद व्रत। कोई पूछे क्या चल रहा है? आनंद में है भाई, आनंद है। कि कब होगा? जब शुभता का व्रत लोगे। आत्माराम ने शुभता का व्रत लिया और उनकी पत्नी, उनकी अर्धांगिनी ने दिव्य कोटि की संतानें पैदा की। देव हमारे रस, नाड़ी, रोम, त्वचा, नख, रक्त, वीर्य, धातुओं में निवेश होने लगते हैं, आने लगते हैं।